बांदा, जब प्रशासन ही खिलाफ तो किससे करे गरीब जनता इंसाफ की उम्मीद। पूरा मामला जनपद बांदा के कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत अशोक लाट परिसर का है, जहां पर कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। आपको बता दें कि पूरा मामला यह है कि 17 दिसंबर 2020 को प्रशासन द्वारा हटेटी पुरवा पथरिया खदान बांदा में 40 से 50 मकान जमीजोत किए गए थे, जिससे महिलाएं व उनके बच्चे परिवार सहित बेघर होकर इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो गए हैं और अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और न ही उनके रहने के लिए प्रशासन द्वारा कोई जगह या स्थान निर्धारित करके दिया गया है। इसलिए वो सब प्रशासन के आगे मजबूर होकर अनिश्चितकालीन के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। जानकारी से पता चला कि उन गरीब मजदूरों ने प्रशासन के हर अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। उनके द्वारा डीएम, एसपी, मंडलायुक्त, विधायक, यहां तक कि प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की बात कही गई, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या मंत्री उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पीड़ित व्यक्तियों द्वारा यह भी बताया गया कि पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं पर हाथ भी उठाया गया, जिससे उनको शारीरिक क्षति भी हुई है तथा उनके हाथ की चूड़ियां भी टूट गई, जो कि पुलिस प्रशासन के लिए अत्यंत निंदनीय बात है। वही पूछने पर बताया गया कि उनकी मांगे है कि उनके घरों को पुनः स्थापित किया जाए तथा प्रशासन द्वारा तोड़े गए हैंडपंपों को भी लगवाया जाए तथा सभी पीड़ित परिवारों की हुई क्षति के लिए मुआवजा दिया जाए, अन्यथा ये अनशन अनिश्चित काल के लिए ऐसे ही चालू रखा जाएगा जब तक उनकी समस्त मांगे पूरी नहीं होंगी। रिपोर्ट शैलेंद्र त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, चित्रकूट मंडल, एवीपी भारत न्यूज चैनल। भैया आपका शुभ नाम? मेरा लल्लू प्रजापति। आप यहाँ पर जो अनशन कर रहे हैं, ये किस चीज़ पर कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मकान गिराए गए। हमारी मांग ये है कि हमारे मकान वहीं बनवाए जाएं और वहीं की हमारी मांग है। आप आगे क्या चाहते हैं? हम आगे यही चाहते हैं कि हमारे मकान वहीं के वहीं खड़े करा दें, बस हमारी यही मांग है। आपने कहीं एप्लीकेशन दिया? हर जगह गए। कहाँ कहाँ दिया आपने? डीएम का ना है, एसपी का ना है, कमिश्नर का ना है, विधायक का ना है, तहसीलदार, हर जगह दिया, प्रधानमंत्री, कोई ऐसा विज्ञापन नहीं बचा कि कहीं पहुंचने लायक ना रह गया हो। हर जगह हमने पहुंचाया है, हमारी कोई सुनाई नहीं। आपका शुभ नाम? रामविलास प्रजापति। आप यहाँ पर आज अनशन कर रहे हैं, ये किस चीज़ पर कर रहे हैं? सर इसके लिए कर रहे हैं कि हमारे मकान गिराए गए, 17-12-2000 को एक बार पहले गिराए गए, फिर आज फिर दो मकान हमारे गिराए गए। हमारी मांग ये है कि जितने में हमारी बस्ती बसी है गरीब लोगों की, तो सबकी वहीं की वहीं बसी रह जाए, बस यही मांग है। तो कोई अधिकारी नहीं हमारा सुन रहा, मतलब हर जगह हम ये नहीं कि एप्लीकेशन ना दिया हो, कोई अधिकारी नहीं हमारे लिए बचा है। और आज जाके नहीं, पुलिस प्रशासन ने, लेखपाल, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन सब मिलके औरतों को भी मारा पीटा, ये सब हत्याचार किया। पुलिस वालों ने हाथ पकड़ा औरतों को, ये मारा देखो चूड़ी उड़ी सब फूट गई है।